नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड में कितना पैसा, कितना गुना पैसा बढ़ा है, इसके बारे में आज वीडियो है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी लेते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज रिटर्न पिछले 3 साल में क्या हुआ है। पहला हमने सेलेक्ट किया है लार्ज कैप। पिछले 3 साल में 1 टाइम 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000% के रूप में तो वही होगा। सबसे टॉप का जो फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने 10 लाख का वैल्यू 21% के रेट से 18 लाख बनाया है। HDFC Top 100 ने लार्ज कैप ब्लू चिप कैटेगरी में 10 लाख का वैल्यू 18 लाख बनाया है 21% के रिटर्न से। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो हम एवरेज रिटर्न देखते हैं कि एवरेज कितना परसेंट रिटर्न मिला है पिछले 3 साल में। तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न आता है 16.9%। तो हमने यहाँ पे 16% इंडिकेट कर दिया। अब मिड कैप का बात करते हैं। मिड कैप में देखते हैं, मिड कैप में टॉप का बात करते हैं पिछले 3 साल में, तो क्वांट मिड कैप आता है 10 लाख का 25 लाख बनाया है। PGIM ने 10 लाख का 23 लाख रुपये बनाया है। SBI मैग्नम मिड कैप ने 10 लाख का 21 लाख रुपये बनाया है। यही पैसा FD में होता तो 9 से 10 साल में डबल होता। SBI मिड कैप में चेक काट के डाले होते FD का 3 साल पहले, भूतकाल से नहीं डरते। तो ये 10 लाख का वैल्यू 21 लाख बनाया है, 28% का रिटर्न सालाना 3 साल में दिया है। 28% मतलब 28 28 28 28%, फिर उसका 28%, फिर उसका 28%, ऐसे करके 3 साल में हुआ है तो 10 का 21 बनाया है। अब यहाँ पे एवरेज रिटर्न देख लेते हैं मिड कैप कैटेगरी में सारे फंड का, ऊपर नीचे कौन सा पता नहीं, कौन सा टॉप है ये नहीं देखा। तो 23% का रिटर्न पिछले 3 साल में, 23 23 23, पिछले 3 साल का मतलब यही होता है, 23% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हमने 23% लिख दिया। अब स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं। एवरेज सबसे टॉप वाला देखते हैं कि 10 लाख का वैल्यू क्वांट स्मॉल कैप ने 10 का 37 बनाया, 54% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 36% का रिटर्न दिया है सालाना। इसमें से एक्सपेंस ऑलरेडी कट चुका है, 1.5% 2% जितना भी है वो कट चुका है। तो एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देखते हैं तो इस स्मॉल कैप कैटेगरी में एवरेज रिटर्न आया है 30.41% का एवरेज रिटर्न है। उसी तरह फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का बात करते हैं। तो स्मॉल कैप में 30%, मल्टी कैप में 22% और फ्लेक्सी कैप में 18%। यहाँ पे है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पहले आया, सबसे टॉप पे है क्वांट एक्टिव, 36% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ने 25% का रिटर्न दिया है। जबकि फ्लेक्सी कैप का बात करते हैं, यहाँ भी क्वांट का फंड आ रहा है 10 लाख का 27 लाख बनाया है। HDFC फ्लेक्सी कैप ने 10 का 20 बनाया है 26% के रिटर्न से। पराग पारिक तीसरे नंबर पे है, 10 का 19 बनाया है 25% के रिटर्न से। यहीं फ्लेक्सी कैप में एवरेज का बात करते हैं यदि, तो एवरेज के रूप में पिछले 3 साल में रिटर्न दिया है 18.12। तो इस तरह से करके हमने पाँचों कैटेगरी का एवरेज निकाल लिया पिछले 3 साल का। अब सबको जोड़ देते हैं, इसका भी एवरेज, एवरेज का एवरेज तो 18 22 40 30 70, और इधर दोनों को जोड़ देते हैं 16 23 39, दोनों को जोड़ते हैं 70 और 39 हो गया 109 डिवाइडेड बाय 5, 5 कैटेगरी लिए हैं, 5 से डिवाइड कर दिया तो 20.18% का एवरेज रिटर्न आया। अब इस पैसे को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 10 लाख लगाया 3 साल के लिए, 20% का एवरेज रिटर्न मिला तो 10 लाख का वैल्यू 17,28,000 हो गया। तो 10 का जब 17 28 हो गया, 17 लाख मान लेते हैं 10 का 17, तो 1.7 गुना पैसा हुआ है पिछले 3 साल में। तो ये जो क्वेश्चन था, पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड में कितना पैसा बना, तो 1.7x पैसा बना है म्यूचुअल फंड में। आप कौन सा कैटेगरी में लगाए हैं, ऊपर नीचे अच्छा खराब सब में एवरेज अगर लगा दीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ 10,000 है 1-1,000 करके सब में लगा दीजिए, पता नहीं कौन अच्छा कौन खराब, सब में डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। एक ही कैटेगरी मत लगाइए, मिड कैप में लगाइए, स्मॉल कैप में लगाइए। अगर और ज़्यादा पैसा है तब जाके आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ब्लू चिप में जाइए, लेकिन थोड़े से ही पैसे हैं, टाइम ज़्यादा है तो मिड कैप स्मॉल कैप ही आपका वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। अब यहाँ पे जो एक डर बना रहता है हमेशा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, पैसा लगाऊंगा भाग जाएगा तो, डूब जाएगा तो, ऐसे नहीं सोचना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि पिछले 3 साल में इतना अच्छा रिटर्न कैसे मिल गया, उसके पीछे 3 साल, उसके पीछे 3 साल में रिटर्न नहीं आया। तो आप पता करना चाहेंगे और या ऑब्जर्व किए होंगे तो कोई भी कंपनी से पूछते थे ना, तो उनके पास कैश में पैसा बहुत होता था, लेकिन वो कहीं भी एक्सपेंड नहीं कर रहे थे, कहीं पैसा नहीं लगाना है, और कहते थे बेटर अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं, अच्छा मौका मिलेगा तब पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मौके का तलाश नहीं कर रहे थे, उनको सब पता था
प्लान के तहत, एच पर प्लान के तहत कि भूतकाल आने वाला है, पता था बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ये बात पता था, भूतकाल जब आएगा डर से जब सब लोग बेचेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई ना कोई बेचेगा तभी कोई ना कोई खरीदेगा। राजू चौधरी ने नहीं बेचा तो इसका संपत्ति किसी ने नहीं खरीदा, हमने म्यूचुअल फंड बेचा ही नहीं तो किसी ने खरीदा ही नहीं, तो जिस जिसने बेचा लाल में उसको मौका मिल गया ग्रीन में खरीदने के लिए, उन्होंने खरीदा, कोई तो यहाँ पे भूतकाल में खरीदा होगा ना, अगर डर से किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा होगा, वो किसी ने जो बोलते थे ना बेटर अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं, अच्छा मौका मिलेगा तब पैसा झोंकेंगे, वो झोंका यहाँ पे सारे कंपनी का जो है शेयर एक्वायर किया। तो जो जो डर से पैसा बेच दिया, यूनिट्स बेच दिया, शेयर बेच दिया, उनको किसी ने खरीद लिया। अब एक दूसरा डर है कि जिंदगी की मेहनत का पैसा है और इतना ही पैसा है, कहीं ख़त्म हो गया तो, इतना ही खत्म हो गया तो ख़त्म नहीं हो सकता है, इसको थोड़ा गहराई से सोचना है। आपने म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाया, मेरे कहने पे स्मॉल कैप मिड कैप में आपने लगा दिया, 5,000 पर मंथ ही है और उतना ही लगा दिया और सोच लिया कि 20 साल लगाएंगे और मन में एक डर है ख़त्म हो गया तो यहाँ देखते हैं कि आपने स्मॉल कैप में पैसा लगाया, मान लेते हैं एक फंड SBI स्मॉल कैप में पैसा लगाया, हालांकि 5,000 है तो मैं नहीं कहता हूँ कि एक में ही लगाना है, 1,000 करके 5 फंड में लगाना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर SBI स्मॉल कैप लिया और एक फंड में पैसा लगाया, 1,000 रुपया एक फंड में लगाया, तो अभी इतना कंपनी है ब्लू स्टार में, उसने उस पैसे का जो आपने 1,000 लगाया उस पैसे का 4% इस कंपनी में है, इस तरह से करके तो इतने सारे फंड हैं और इस परसेंटेज में आपका पैसा लगा हुआ है, चाहे छोटा सा पैसा आपने लगाया है उसका ही परसेंटेज आपका लगा हुआ है इस फंड में, इस कंपनी में सारा लगा हुआ है पैसा, तो आपके पैसे को डूबने के लिए, वो 1,000 रुपये पर मंथ डूबने के लिए ये 56 कंपनी को डूबना पड़ेगा। और ऐसा अगर आपने 5 जगह पर लगा दिया है तो एक लगभग 50 में तो 5, 25, 200 से 250 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। तो अगर 200 से 250 कंपनी में डाइवर्सिफाइड हो गया तो आपके पैसे को डूबने के लिए वो सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक कंपनी को पूरे देश में ऐसा कुछ होता है जो अभी हो रहा है, एक ग्रुप के साथ हुआ तो हाहाकार मच जाता है, सबके साथ नहीं हो सकता है, पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा, भारत ही खत्म हो जाएगा, तब ना हम होंगे ना आप होंगे तो फिर ना कंपनी होगा। तो इसको डरना नहीं है, थोड़े थोड़े पैसे करके आप इन्वेस्ट करते रहिए तो आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। अब कुछ कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा SIP चल रहा है, कैनरा रिबको ब्लू चिप, PGIM मिड कैप, PGIM फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, PGIM इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ये सारे फंड अच्छे हैं, एक फंड को आप चेंज कर सकते हैं तो कर दीजिए, कैनरा रिबको ब्लू चिप से हट के आप कैनरा रिबको इमर्जिंग इक्विटी में चले जाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा पोर्टफोलियो आपका, क्योंकि इसमें आपका पैसा भी ज़्यादा जा रहा है। अगला है कि 15,000 रुपये पर मंथ किया, 15% के रेट से 15 साल में 1 करोड़ हो जाता है, हमने ऐसा कभी किसी को होते नहीं देखा है, जबकि प्लॉट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, परचेज किया, मल्टी बिगर बन गए, जॉब से बन गए, सब जगह से बन सकते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं, आपका वो प्रोफेशन है, आपका वो गुण है, आप वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा के कोई भी पैसा कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कहना कि कोई नहीं बनाया है, तो मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, दूसरे का पोर्टफोलियो में दिखा नहीं सकता हूँ। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 2010 से लेकर अब तक 13 साल बीत गया, 3,000 पर मंथ का SIP चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा बहुत टॉपअप भी किया, 10,000-20,000 कहीं से आया वो भी टॉपअप कर दिया, 50,000 आया टॉपअप कर दिया, और 3,000 का SIP कंटिन्यू है, ये चलता रहेगा 20-21 साल तक, 8,08,000 जमा हुआ है और पैसा 23 लाख रुपया बना हुआ है। ये कहना ना कि 1 करोड़ रुपया नहीं बनता है, पूरे पोर्टफोलियो मिला के तो 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन यही फंड सिर्फ अगर जिंदा रहा तो यहीं पर आपको 1 करोड़ रुपया इस फंड में दिखा दूंगा। अभी एवरेज रिटर्न 15.9% का रिटर्न दिखा रहा है, जब मार्केट अप था 18-19-20% का रिटर्न यहाँ दिखा रहा है, तो भूले भटके भी हमें क्या चाहिए, 15-16% उतना अभी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ते हैं कि कहीं नहीं मिला है, आप सही कर रहे हैं, आपने नहीं देखा है तो नहीं मिला है, लेकिन हमने देखा है, हमें मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, 60,000 इन्वेस्टमेंट को 260,000 बनाते हैं म्यूचुअल फंड में और 10 साल में 25,000 रुपया चार्ज कट जाता है, इनका यह क्वेश्चन है कि 60,000 जमा किया और 10 साल में कहते हैं कि 260,000 बन जाएगा,
पर इसमें चार्ज कितना कट जाएगा, ये इसका कैलकुलेशन इस तरह से। यहाँ पे देखिए, आपने 60,000 लगाया, मान लेते हैं कि 17% का रिटर्न मिल रहा है, पर 2% आपको काट के दिया जाएगा तो 15 ही दिखेगा। तो 17 मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2% कटेगा तो 15 मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, 60,000 रुपये लगाया और एक साल के बाद 17% के रेट से 70,200 हो गया। अब इसमें से 2% चार्ज कटेगा, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर को पैसा जाना है, एएमसी चलना है, हमें कुछ पे आउट होना है, तो इस तरह से करके जितना भी खर्चा है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जो मैंने यहाँ पे एसबीआई का फंड दिखाया था, ये एसबीआई का एक्सपेंस अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई स्मॉल कैप में एक्सपेंस है 1.83, 2% से कम है। ज़्यादातर स्कीम का यही है, 2% से कम रहता है, लेकिन हमने 2% लिया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा एओईएम है तो उसमें पैसा लगाइए। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से, सुविधा के हिसाब से हमने 2% कैलकुलेट किया है। तो 70,200 रुपया बना 17% के रेट से, इसमें से 2% एक्सपेंस रेशियो जाएगा तो 1380 रुपया चला जाएगा, साल में जाएगा, मंथली नहीं है, रोज नहीं है, पूरे पैसे का साल में ये 1380 चला गया चार्जेज के रूप में, एक्सपेंस के रूप में। अब इस पैसे से इसको हटाएंगे तो 68,820 रुपया हुआ। अब इसमें भी 17% मिला अगले साल, एक साल के और बाद, तो ये पैसा बढ़ के हो गया 80,519 रुपया। अब इसका 2% कटना है तो 1610 रुपया साल के अंत में कट जाएगा। अब इस पैसे को इसमें माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 78,909 रुपया। इसमें 17% मिला तीसरे साल तो पैसा हो गया 92,323 रुपया। इसमें से 2% कटेगा 1846 रुपया। तो इस तरह से करके 1800, 1600, 1300 सालाना कटते जा रहे हैं। तो आपका कहना सही है कि 2-2.5 लाख बनेगा तो 20-25 हज़ार रुपया एक्सपेंस के रूप में कट जाएगा, कटेगा ही कटेगा, सब लोग मिलके काम कर रहा है, ऐसे तो चलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये चार्ज कट जाएगा। लेकिन अब ये कटता कैसे, एक्चुअली मंथ के लास्ट में कटता है, साल के अंत में कटता है, जैसे मैंने ये साधारण हिसाब से कैलकुलेट करके बताया, ऐसे नहीं कटता है। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख लगाया, उसका 2% एक्सपेंस रेशियो 2000 होता है, 2000 डिवाइडेड बाय 365 डेज करते हैं तो 5 रुपया 40 पैसा रोज कटेगा। आपने 1 लाख लगाया, अगले दिन जो भी बढ़े घटेगा उसमें से 5 रुपया 40 पैसा कट जाएगा। मान लेते हैं कि आपका 1000 बढ़ा या 500 बढ़ा, उसमें से 5 रुपया 40 पैसा कट जाएगा। फिर अगले दिन बढ़ा घटा जो भी होगा वो 5 रुपया 40 पैसा कट जाएगा। ऐसे ऐसे करके 365 दिन 5 रुपया 40 पैसा कटता जाएगा तो 2000 रुपया पूरा रिकवर हो गया। फिर अगले साल जितना पैसा है उसका 2% डिवाइडेड बाय 365 डेज जो पैसा आएगा वैसे कटते जाएगा। इसी तरह से कटता है, म्यूचुअल फंड में यही नियम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर डायरेक्ट और रेगुलर कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपको म्यूचुअल फंड का सारा दाव पेज सब कुछ पता है तो आपको डायरेक्ट स्टॉक में जाना चाहिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो रेगुलर में एडवाइजर के साथ कुछ दिन रह लीजिए, 6 महीना साल भर रह लीजिए, जब सब कुछ सीख जाएंगे फिर अपने आप कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।